अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नाज़िया है और मैं हर सैटरडे संडे वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू। इस संडे थोड़ा मुझे लेट हो गया तो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट मैंने सोचा इट्स बेटर लेट देन नेवर, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग अ लिटिल बिट लेट, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई एंड अपलोड अगेन ऑन सैटरडे। सो टुडे वो मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है मिंत्रा हॉल। मैंने इसके पहले मेरा और नायका हॉल शेयर करा था और टुडे मैं मिंत्रा करूँगी। इट्स नॉट इन हॉल एक्चुअली, इट्स जस्ट सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट माय स्कार्फ। इट्स नॉट इन हॉल एक्चुअली, इट्स जस्ट फोर थिंग्स दैट आई बॉट, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो हुएवर हैज़ जिसने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का टू सपोर्ट मी। एंड जिसने नहीं किया है और जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन क्लिक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो आज मैं आपको पहले बता रही हूँ वो जो दो मैंने चीज़ें खरीदी हैं क्लोदिंग आइटम में, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैकेट, ये मुझे बहुत पसंद आया है। दिस इज़ आई लव दिस जैकेट, दिस इज़ फुल स्लीव्स आर्मी मिलिट्री प्रिंट इट इज़। ये देखिए इस तरह का ग्रीन एंड इस तरह के स्लीव्स हैं इसके एज में आखिरी में, और ये पूरा फुल स्लीव्स हैं और आगे इस तरह से नेक है ये, और इस तरह बटन है, और इसके जो पॉकेट पे इस तरह से स्टार बटन्स है, और ये पॉकेट है यहाँ पे दोनों तरफ, सो यू कैन पुट योर हैंड्स इन देयर एंड इट्स बिग इनफ पॉकेट लाइक योर हैंड्स कैन गो। और काफ़ी सॉफ्ट है ये देखिए अंदर से, और रेगजिंग लाइक थोड़ा इलास्टिक टाइप कपड़ा है इसका, मगर सॉफ्ट है, ये चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, वेरी कंफर्टेबल। ये लाइट जैकेट की तरह है, आप अगर अंडरनीथ स्वेटर के साथ भी इसको लाइट जैकेट की तरह पहना जा सकता है, और इस तरह से पूरा है, और एंड में भी इसके इस तरह से एज में लगा हुआ है ये देखिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये दिस कम्स टू माई वेस्ट, और ये बहुत अच्छा लगेगा पहनने में, इसको आप पहन सकते हो बुरखे के ऊपर भी, हिजाब पे, लॉन्ग समथिंग गाउन पे आप पहन सकते हो, आप इसको स्कर्ट पे पहन सकते हो, शॉर्ट ड्रेस पे पहन सकते हो, आप इसको बहुत सारी तरह जीन्स पे आप इसको पहन सकते हो, लेगिंग्स पे पहन सकते हो, कुर्ते पे पहन सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको पहनने के। तो ये एक है, ये जो है ससफराज करके, सस अफराज आई थिंक इज़ द ब्रांड, और इसकी प्राइजेस थी आई थिंक 2000 ओरिजिनल, मगर मुझे ये मिला है 600 में, ये 600 में था, ये मिंत्रा में 60-70% सेल पे था, तो ये तब मैंने इसको लिया था। इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है, ये सेपरेट लिया था मैंने मिंट ग्रीन शर्ट, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसका कलर बहुत अच्छा है, और ये शिफॉन के जैसा इसका कपड़ा है, वेरी लाइट क्लोथ्स, और इसका फॉल बहुत अच्छा है, फुल स्लीव्स है अगेन, और स्लीव्स पे एक एंड में ऐसा गोल्डन बटन है, और काफ़ी ये पतला कपड़ा नहीं है, ये मोटा है काफ़ी, ये देखिए, तो ये इसमें से आपकी स्किन नहीं दिखेगी। ठीक है, और ये भी शॉर्ट है, और ये मुझे 600 में मिला था, ये रेयर का है, रेयर का है कंपनी, और ये बहुत अच्छी मुझे लगा, ये मुझे थोड़ा टाइटल लूज नहीं है बट इट्स ऑल राइट, फिर भी मुझे ये पसंद आया। ये एक्सेल मैंने लिया है और ये मैंने डबल एक्सेल लिया है, और ये दोनों मैंने कंबाइन करके पहनने के लिए लिया था लाइक दिस, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जीन्स के ऊपर मैंने सोचा था मैं इसको पहनूंगी इस तरह इंशाल्लाह, ये देखें, तो दिस बोथ गोज़ वेरी वेल टुगेदर, तो ये दोनों मैंने लिया था। देन मैंने लिए हैं दो शूज़, ये शूज़ आई वॉज वेटिंग फॉर दिस शूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैंने फाइनली ख़रीद लिए, और वो है ये, दीज आर रेड शूज़, ये देखिए इस तरह से हैं, एंड इसकी हील इज़ वेरी बिग हील, ये देखिए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे गाइस, मुझे आई लव देम। मैं जब भी इस तरह के टो के मंगाती हूँ लाइक शूज़ टाइप, तो मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया है, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा चौड़ा है, तो ये इसलिए मैं थोड़ा एक साइज़ बड़ा मंगाती हूँ, तो ये मैंने मंगाया है एटलीस्ट 37, मेरा है 36 साइज़, और मैंने 37 मंगाया है, और ये देखिए इस तरह से, एंड ये बहुत अच्छे हैं, ये है ड्रेस बेरी के कंपनी के हैं,
और इसकी अंदर बहुत अच्छा है, ये देखिए सॉफ्ट है, लेदर इनसाइड एंड उसका सोल भी बहुत अच्छा है। इसकी ओरिजिनल प्राइस आई थिंक थी 3000 एक्चुअली 3000 ओरिजिनल प्राइस थी, मगर ये मुझे मिला है 800 में, 70% सेल 800 में मुझे मिला है। वेरी गुड कंफर्टेबल शूज़, बस मुझे सीखना है इसमें चलना, बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट बिग फॉर मी, बट आई रियली 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 लव देम। ये बहुत अच्छे जाएंगे ब्लैक ड्रेस के साथ, बुरखे के साथ आपके, और ग्रे, देखिए ग्रे के साथ भी जा रहा है, वाइट के साथ आप जा सकते हैं, फुल ब्लैक पहन के ये पहन सकते हैं, फुल वाइट ड्रेस पहन के इसको पहन सकते हैं, तो दिस विल लुक वेरी गुड। दिस इज़ माई फेवरेट परचेज बोथ द शूज़ एक्चुअली, वन मोर शूज़ मैंने ख़रीदा, ये बहुत अच्छे है। तो ये मुझे 800 में मिंत्रा में मिले हैं। सेकेंड शूज़, आई लव दिस शूज़ टू, दिस इज़ लाइक वेरी नाइस माशाल्लाह, एंड दिस आर द ब्लैक शूज़, लेदर शूज़। इसके ऊपर इस तरह से एंकल ब्रेसलेट, एंकल एंकलेट टाइप बना हुआ है, और ये एंकल पे आएगा ये, और इसके ऊपर इस तरह से बटन लगे हुए हैं, और ये जो है ये देखिए इस तरह से आएगा एंकल पे, और ये इसका साइज़ ऐसा है। इसकी जो हील है वो थोड़ी फ्लैट है, ये देखिए, और ये ऐसा एंगल पे है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा शार्प एंगल है देखिए, और इसमें इतना शार्प एंगल नहीं है, आप देख सकते हैं, और इसकी हील भी काफ़ी कम है, तो ये थोड़ा मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। ये इतना कंफर्टेबल है कि मैं इसमें डांस कर सकती हूँ इफ़ आई वांट टू, तो ये मुझे बहुत बहुत पसंद आए, और ये लावी ब्रांड के हैं, और बहुत अच्छा लेदर है, वेरी सॉफ्ट टू वेयर, वेरी कंफर्टेबल, लाइक ऑफिस वेयर के लिए आप इसको पूरा दिन पहन के रह सकते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल मुझे लगे, एंड टू वर्क अराउंड इन द ऑफिस एंड ऑल दैट, क्योंकि इसमें कुशन भी दिया है देखिए अंदर से थोड़ा सा, तो इट्स सपोर्टिंग योर लेग ऑल्सो एंड इट्स क्वाइट गुड क्वालिटी। ये देखिए इसका सोल भी बहुत अच्छा है, और ये 2500 के ओरिजिनल थे, पर मुझे ये मिले हैं 800 में, और इसका लेदर भी गाइज बहुत अच्छा है, और ये पहनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये साइज़ मैंने मंगाया है 38, तो मैंने साइज़ बड़ा मंगाया है, 38 का मैंने मंगाया है, और ये मुझे परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगेन मेरे पैर थोड़े चौड़े हैं तो वो थोड़े बाहर आ जाते हैं, तो देन इट फिट्स प्रॉपरली। तो ये पहली बार मैंने शूज़ मंगाए, क्योंकि मैं शूज़ ख़रीदने से डरती थी कि कहीं साइज़ सही ना आए, मगर ये अच्छे साइज़ आए। ये देखिए इस तरह का हील है इसका, एंड दोनों शूज़ बहुत अच्छे हैं, ये देखिए लेदर कितना अच्छा है उसका अंदर से, और ये लावी के हैं, लावी के शूज़ मैंने बैग खरीदे हैं, शूज़ नहीं खरीदे, तो आई वॉन्टेड टू चेक आउट शूज़ ऑल्सो, तो ये पहला मेरा लावी का शूज़ है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और बहुत कंफर्टेबल है। इस तरह से इसको आप लगा दो और आप पहन लो उसको, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं देखिए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये बुरखे पे, अगेन स्कर्ट्स पे, ड्रेस पे, इंडियन वेस्टर्न जीन्स, एवरीथिंग इट विल गो वेरी वेल, एंड दिस मैंने मंगाया है एक्चुअली टू वेयर ऑन दिस, और इसके ऊपर अगर मैं ब्लैक या ब्लू जीन्स नीचे पहनूंगी इंशाल्लाह, तो दिस विल लुक रियली वेरी गुड टुगेदर। तो ये था मेरा छोटा सा परचेस और हॉल फ्रॉम मिंत्रा। एंड ऑफ द सीजन सेल हमेशा होते रहता है वहाँ पे, तो प्लीज़ कीप योर आई ओपन फॉर दो सेल्स। 70% ऑफ में आपको बहुत अच्छे ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं, और लास्ट टाइम मैंने पर्सेस खरीदे थे, इस टाइम मैंने ये सारा कुछ खरीदा है, और अमेज़ॉन पे भी आपको अच्छे मिलते हैं, मिंत्रा पे भी मिलते हैं। मिंत्रा पे सबसे बड़ा बात यह है कि आप क्या कीजिए, मैं करती हूँ कोशिश कि मैं क्या करती हूँ, विश लिस्ट में अब मैं बना के रखती हूँ, और मैं उसको मॉनिटर करते रहती हूँ, जब एंड ऑफ द सेल में मुझे लगा कि ये विश लिस्ट का मेरा आइटम कम पैसों में मुझे मिल रहा है, तो मैं वो खरीद लेती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द रेड बटन, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो मुझे देखते हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। टेक केयर, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।